भारत में कोरोना से संक्रमित हो चुके मरीजों का आंकड़ा 73 लाख के पार पहुंच चुका है। मरने वालों का आंकड़ा भी 1 लाख के पार हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 8 लाख के आसपास में बनी हुई है। ऐसे में अच्छी खबर सरकार ने एक और दी है, जहां पर सरकार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नीति आयोग ने एक बात अच्छी ये बताई है कि फरवरी 2021 तक कोरोना का अंत भारत में हो सकेगा, जो वाकई में सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात है, एक खुशखबरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमारा जीवन कोरोना काल में पटरी से उतर गया था और हमारे जीवन को टेक ओवर कोरोना ने कर लिया था, उसे देखते हुए अब ये लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम कोरोना को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल उठ रहा है कि सरकार ने किन आधार पर यह कहा है कि फरवरी 2021 तक हम कोरोना को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। तमाम तथ्यों के साथ आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता देते हैं। दरअसल नीति आयोग के सदस्य और कोरोना की टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों को सजग करते हुए ये बताया है कि भले ही कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हों, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। उन्होंने ये भी संभावनाएं जताई हैं कि हो सकता है कि सर्दियों में अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो एक बार फिर कोरोना अपने चरम पर आ सकता है। इसलिए आपको किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है और आपको ज्यादा ख्याल रखना है। पिछले 8-9 महीनों से जिस तरीके से आप कोरोना के खिलाफ इस अदृश्य जंग को लड़ रहे हैं, आपको उसी तरीके से जंग लड़नी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सरकार की बनाई हुई वैज्ञानिकों की समिति ने ऐसा क्यों कहा है कि अगले 4.25 महीनों में कोरोना वायरस इस दुनिया से अलविदा कह लेगा, और खास तौर पर भारत में क्यों वैज्ञानिकों के पैनल्स ने यह कहा है कि कोरोना वायरस फरवरी तक धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। आपको ये बताते चलें कि आज हम इसी बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल किसी भी वायरस के खत्म करने के दो पहलू होते हैं, पहला होता है सोशल एंडिंग और दूसरा होता है मेडिकल एंडिंग। वायरस को काबू में किया जा सकता है सोशल एंडिंग के जरिए, लेकिन वायरस को खत्म सिर्फ किया जा सकता है मेडिकल एंडिंग के जरिए, यानी कि वैक्सीन के जरिए। अभी फिलहाल जो हम कोरोना को काबू करने की बात कर रहे हैं वो सोशल एंडिंग के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के पैनल ने भी यह कहा है कि फरवरी तक कोरोना वायरस को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन यह नहीं कहा है कि कोरोना वायरस को खत्म कर लिया जाएगा। क्योंकि उनका यह कहना है कि साफ तौर पर कोरोना वायरस या फिर दुनिया का कोई भी वायरस सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के जरिए ही खत्म हो सकता है। आपको यह बताते चलें कि सोशल एंडिंग का मतलब है कि जिस तरीके से पिछले 8-9 महीनों से हम सरकार और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम पालन करते रहे और अगले 4.25 महीनों यानी कि अगर मार्च 2021 तक कोरोना की पहली वैक्सीन भारत में लॉन्च हो जाती है और 25 करोड़ लोगों तक अगर वो वैक्सीन लग जाती है, तो फरवरी तक हमें खासा ख्याल रखना है ताकि त्योहारी सीजन में हम कोरोना को ना बढ़ाएं। साथ ही इसके अलावा दूसरी बात की गई है मेडिकल एंडिंग की। जी हाँ, ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि मार्च 2021 तक भारत की पहली वैक्सीन आ चुकी होगी, और ये भी हो सकता है कि मार्च 2021 तक भारत को एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन मिले, और जुलाई तक भारत को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन वैक्सीन मिल सकती हैं। इसलिए हमें जो सावधान रहना है वो फरवरी तक रहना है, क्योंकि फरवरी के बाद कोरोना वायरस की मेडिकल एंडिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि वैक्सीन भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में, चाहे वो विकासशील, विकसित या फिर गरीब देशों, आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सोशल एंडिंग के खास तौर पर अगर बारे में बात करें तो भारत में धीरे धीरे कोरोना की जो रफ्तार कम हो रही है वो सोशल एंडिंग के जरिए ही हो रही है। लेकिन सोशल एंडिंग होती क्या है? दरअसल सोशल एंडिंग का मतलब है फेस मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ बार बार धोते रहना। आपको ये भी बताते चलें कि शुरू के 3 महीनों में जिस तरीके से भारत सरकार ने लॉकडाउन की शुरुआत की थी और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोला गया था, यानी कि अनलॉक 1, 2, 3, 4 और अब अनलॉक 5.0 की तरफ जहां हम बढ़ चुके हैं, और अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है, स्विमिंग पूल्स को खोला जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को खोला जा रहा है, इससे देखते हुए समिति के पैनल्स के जो लोगों ने ये कहा है कि ऐसे ही कोरोना वायरस काबू में आ पाया है और फरवरी 2021 तक कोरोना वायरस को काबू में कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कारण की।
भारत में जितने भी सुपर स्प्रेडर हैं वो सिर्फ 30% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों में से 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि कोरोना वायरस नहीं फैलाते हैं और सिर्फ 30% ऐसे हैं जो कि सुपर स्प्रेडर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोरोना वायरस फैलाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और कोरोना वायरस जिनको हो चुका है वो कोरोना वायरस बहुत कम फैला रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 22 राज्य और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक ताज़ा आंकड़ा भी सामने आया है जहां कोरोना वायरस की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना वायरस की जब ग्रोथ रेट सितंबर से पहले यानी कि मई जून जुलाई अगस्त में 11% थी, लेकिन सितंबर के एंड में और अक्टूबर के शुरू में यही ग्रोथ रेट 1% हो गई। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना वायरस की आर वैल्यू भारत में कम हो चुकी है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी भारत में कोरोना की आर वैल्यू 100 तक आ चुकी है, यानी कि एक शख्स कितने लोगों को कोरोना से संक्रमित कर सकता है उसे आर वैल्यू से पता चलता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोरोना की आर वैल्यू कम होने लगती है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि भारत में अब कोरोना वायरस के खत्म होने का समय आ गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस को काबू में किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उसे खत्म करने का एक ही इलाज है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जो फिलहाल बन रही है। इसलिए इस त्योहारी सीजन में आपको अपना खासा ख्याल रखना है, जो काम आप पिछले 8-9 महीनों से करते आ रहे हैं आपको वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तभी हम वैक्सीन की ओर बढ़ सकते हैं और कोरोना वायरस की स्पीड को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।